हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन विभाग भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमटीएस वन रक्षक पद के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सैलरी की अगर बात करें तो 92,300 रुपये आपको पर मंथ पे स्केल यहाँ पर दिया जाने वाला है। बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब से फ्रेंड्स, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड कितने पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई है। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं हमारी आज की टॉप लेटेस्ट वन विभाग भर्ती 2021 के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग किस स्टेट से मेरी वीडियोज को देख रहे हैं और मैं आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इंडिया पर हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज हैं वन विभाग की तरफ से एंड पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी के साथ में टोटल 311 पदों पर ये वैकेंसीज हैं एंड पे स्केल की बात करें तो 5,910 रुपये से 20,200 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। 12वीं पास कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में एमटीएस पद के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, उनके लिए मैं आपको जो है लास्ट में बताऊंगा। उनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट से 400 रुपए ली जाएगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से 100 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर रहेगा एंड अप्लाई आप इस पद के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। एचपी आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। hpforest.nic.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी एंड लास्ट डेट आपकी 19 अगस्त 2021 रहने वाली है। सो 19 अगस्त से पहले पहले आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर कर लें एंड यहां पर आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट लिंक की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो अब चलिए अभी हम चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर एंड वहां पर देखते हैं कि आप किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर एंड यहाँ पर आप जो है पद का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड। इसी के साथ में आपको वन वृक्ष का नाम सेलेक्ट करना होगा, जो आपका सेलेक्ट जो आपका सर्किल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि कौन से सर्किल से आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ में आपको जो है अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। 12 डिजिट का जो है आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। ये आपका ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ पर अपना जो है अभिवादन यहाँ पर आपका शीर्षक डालिए, उसके बाद में आपको फुल नाम यहाँ पर डालना होगा। इसी के साथ में नीचे आने पर आपको यहाँ पर लिंक सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसी के साथ में कैटेगरी की बात कर ली तो जो है आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। आप कौन सी कैटेगरी से जनरल एसटी एससी ओबीसी ये यहाँ पर आपका आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसी के साथ में उप कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। आपको यहाँ पर जो भी आपकी उप कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर देनी होगी एंड उसके बाद में 10 डिजिट का जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। आपको इसके साथ में 0 या फिर जो है +91 नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ 10 डिजिट का जो है अपना नंबर डालना है। उसके बाद में आपको एक अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। कोई भी एक ऐसा पासवर्ड आप बना लीजिए जो से आप जो है हमेशा के लिए याद से रख सके एंड उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर क्रिएट यूजर के बटन पर क्लिक करना होगा एंड इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल है एंड उसी के साथ में जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर डालनी होगी एंड आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की टॉप लेटेस्ट बड़ी भर्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई वैकेंसीज। तो वीडियो कैसी लगी, सो आप इस तरीके से पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी
नीचे कमेंट करके जो बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।